उधर राम का मंदिर, इधर रावण को पनाह पनाह। ये दोहरी मानसिकता की सरकारें नहीं चाहिए बिहार में। जंग के बाद समझाओगे तो बहुत पूरा एकदम क्लियर है। परिचय दे देंगे जी, परिचय अपना सब दे देंगे। करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वीर प्रताप सिंह जी, और ये जरूर आप लोग यहाँ के शासन प्रशासन से ब्रीफ करिएगा कि नशा खाते हो क्या, चरस वरस खाते हैं। इतना बड़ा कांड हुआ है, क्या ये लोग चाहते हैं कि फिर से कोई बड़ा कांड हो जाए यहाँ? संजय जी को बुलाइए, संजय को बुलाइए, भैया संजय भैया थोड़ा दूरी बना ली भैया। दूरी बना आप पे मुकदमा कैसे लिखा है? मैं आप रोइए मत मेरे भाई, रोना नहीं है, मजबूत रहना है। ऐसे कैसे रोएंगे, नहीं रोना है, पालना है मुझे, सासू को बचा के रखना है। ठीक है, आपको एससी एसटी में कैसे फंसाया गया? थाना पर जब गए तो छोटा दारोगा थे मुस्लिम बाबू, उन्होंने कहा कि इसको पहचानते हो, मैंने कहा नहीं पहचानता, तो यही तुम पर एससी एसटी किया है। हम उससे पूछे भी तुम पर कह लग गया, यही नहीं रहा था एससी एसटी जबरदस्ती लगा के। कौन था यहाँ पे कोतवाल, कौन था थाना इंचार्ज? अभी भी है सस्पेंड होता क्या, एक महीने बाद बहाल हो जाएगा वो तो टेम्परेरी। कितने दिन जेल में रहेगा? 5 महीने रहेगा। दुर्दांत बेरहमी। पहला काम करिए, विधायक के नाम से एक एप्लीकेशन दीजिए कि ये इन्वॉल्व है, ये नाम बढ़ाया जाए। अगर सरकार नाम नहीं बढ़ाता, प्रशासन नाम नहीं बढ़ाता है, तो जिस तरीके से बढ़ाएगा उस तरीके से हम लोग लड़ने के लिए अब कार्य करने के लिए तत्पर है। विधायक हत्या के वंशज है ना, है कि नहीं है? तो इस कलयुग अगर एक रावण पैदा होगा तो यहाँ पर 10 राम पैदा होगा। 100 राम है तैयार है यहाँ पे, अगर क्या डीएम और एसपी फोन नहीं उठा रहा क्या? देखिए आप मीडिया से आप इसको लिखिएगा, चलाइएगा भाई, कि यहाँ का जिला अधिकारी और यहाँ का एसएसपी ये सोया हुआ है। मधुबनी जिले का डीएम और एसपी भांग खा के सोया हुआ है, या तो ये स्मैक या चरस खा के सोया हुआ है। उसके जिले में इतनी दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी गई, 6-6 लोगों को भी होली के दिन, ये सो रहा है। 11 दिन बाद रात के 11 बजे वो आ रहा है परिवार से मिलने। मैं तो ऐसे एसपी को डीएम को इनकी नौकरी खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसको टर्मिनेट करे, और सेंट्रल से भी मांग कर रहा हूँ माननीय गृह मंत्रालय से, और सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से करणी सेना ये भी मांग कर रही है कि सीबीआई जांच करे बस। केवल और केवल सीबीआई जांच, परिवार लिखित देने के लिए तत्पर है, तैयार है सीबीआई जांच के लिए। अगर सीबीआई जांच नहीं यहाँ की सरकार रिकमेंड करती है, तो फिर जिस तरीके से हम लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और आप जरूर इस बात को रखिएगा कि सोता हुआ एसपी और डीएम कहीं ना कहीं ये भी इन्वॉल्व है सत्या में, पूरा इन्वॉल्व। ये रावण को पनाह देने वाला यहाँ का शासन प्रशासन है और यहाँ का विधायक है, ये क्यों ना मुकदमा यहाँ के एसपी और डीएम के ऊपर लिखवाया जाए, क्यों ना
एक मुकदमा इन लोगों के ऊपर 120 बी के तहत लिखवाया जाए। क्यों ना लिखवाया जाए? यहाँ के विधायक संरक्षण दे रहा है, बगल के विधायक के यहाँ, यहाँ का संरक्षण विधायक तो दे ही दे रहा है, एसपी और डीएम भी संरक्षण दे रहा है, बगल के विधायक के यहाँ से पकड़ा गया है। अच्छा कौन से विधायक यहाँ से पकड़ा गया? वो क्या नाम है बोलते हैं उसको, बचौल की कौन है? बचौल ठाकुर। कौन, क्या नाम है? बचौल ठाकुर। पकड़ा गया है वहाँ। अच्छा हरिभूषण ठाकुर के यहाँ से पकड़ा गया है तो उसके ऊपर भी मुकदमा लिखवाया जाए, वो भी जेल जाए, वो संरक्षण दे रहा है। कौन सी पार्टी से विधायक है वो? बीजेपी। ये भी बीजेपी का, वो भी बीजेपी का, हत्या करवा रही है बीजेपी यहाँ पे। काउंटर करें तो फांसी दे, ये तो हत्या ना। उधर मंदिर बनवा रहे।